आपके अंदर वो चाह है, आपके अंदर वो क्वेस्ट है और कंटिन्यूअसली अपने आप को इम्प्रूव करते हो, तो क्या ये अब JKPSC में टॉप करके रुक रुक जाएगा या आप अभी इसके बाद भी UPSC की तरफ जाएंगे? तो that counts as my entry points, 90.67 or 67 out of 25 exactly counts to 79%. This was exactly matching with the points you gave to me, and I was shocked. Exactly, sir, I was shocked to see this. और जब आपने सर मुझे इतने points दिए थे और जो मेरे बाकी friends थे वहाँ mock interview में 30 January को जो आपने conduct किया, तो उसमें सब जो लड़के थे वो उनको दे थे तो आपने जो मेरे फ्रेंड थे उनको आए थे 60, 59, 71, तो मुझे लगा कि आपने सर मुझे ज़्यादा पॉइंट दिए, आई वॉज नॉट डिजर्विंग 79। एंड जो मुझे वहाँ क्वेश्चन सर बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन वो मुझे नहीं आए और मुझे लग रहा था आई वॉज एक्सपेक्टिंग मैक्सिमम 60, आपने मुझे 79 दिए। लेकिन फिर मुझे रियलाइज हुआ कि जो विजन होता है एक इंसान का, जो साहिब नज़र होता है और बसीरत जो चीज़ होती है वो सच में होता है, किसी इंसान को बसीरत होती है सच में, और जो हम देखते हैं जिस नज़र से इंसान को, इंसान के बात करने के तरीके को एनालाइज करते हैं, देखते हैं इस नज़र से आप या जो पहुंचे हुए लोग होते हैं वो उस नज़र से नहीं देखते हैं। और आई रियलाइज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम बहुत बड़ी बात है कि ये इनिशिएटिव लिया आपने ऑनलाइन और फिर अफोर्डेबल कॉस्ट हर बच्चों को देना है पीने को, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है सर, और अप्रिशिएट एज वेल एज आई सैल्यूट यू सर। तो हाउ आर यू, कैसे हो आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप कैसे? बहुत मुबारक सबसे पहले आपको कि आपने एग्जाम कॉलेज से किया, आपसे खुशी हमें ही होगी होगी। तो आप योर वन ऑफ दोस कैंडिडेट्स जो ऑलमोस्ट हर एग्जाम में सक्सेसफुल जा रहा है, तो सबसे पहले आप थैंक यू सर, वेरी मच थैंक्स सर, ये अल्लाह का करम है। बिल्कुल। तो रूफ मुझे बताइए कि जब आपका ये एग्जाम क्वालिफाई हुआ तब से लेकर अभी तक क्या क्या चेंजेस आई है लाइफ में? एज सच अगर देखा जाए सर इतनी सारी चेंज नहीं है, क्योंकि मैं पहले से ही जॉब में था और पहले ही आपको पता है एक जॉब मिली थी मुझे, हाँ एक लेवल से बढ़ गई थी, नॉन गेजेटेड कैडर से गेजेटेड कैडर में आना तो उससे थोड़ा बहुत बदल जाता है, और घर वाले भी बहुत खुश थे और रिश्तेदार भी, फ्रेंड्स भी, और जो इंस्टीट्यूट में मैं काम कर रहा हूँ वहाँ के स्टाफ से भी, और एक वो सेंस ऑफ रेस्पेक्ट सा बढ़ गया वहाँ से सर उनकी तरफ से मेरी ओर। ठीक ठीक। तो रूफ मुझे बताओ अपने बारे में, आपने कब शुरू की प्रिपरेशन और क्यों आए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, आप एकेडमिक लाइफ कहाँ तक आपने पढ़ी है कुछ उसके बारे में बताइए। जी सर, मैंने अपनी सारी एजुकेशन राइट फ्रॉम माय चाइल्डहुड यहाँ लोकल गवर्नमेंट स्कूल से हासिल की, तो फिर 11th में बैक इन 2011 मैंने नॉन मेडिकल बायोलॉजी में 12th किया गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी बीरवा से, फिर गवर्नमेंट की कॉलेज बीरवा में मैंने सर BSc किया नॉन मेडिकल, और नेक्स्ट ईयर मैंने एंट्रेंस किया और फिर MSc फिजिक्स किया यूनिवर्सिटी, तो मेरी सिलेक्शन हुई थी मैथमेटिक्स और फिजिक्स में, और मेरा शुरू था सर एक्चुअली मैथमेटिक्स में, तो घर वालों ने और रिलेटिव टीचर्स ने एडवाइस की कि नहीं आप फिजिक्स में जाओ, फिर मुझे फिजिक्स में जाना पड़ा, और घर की कंडीशन को मद्देनजर रखते हुए सर मैं पहले से जॉब्स में अप्लाई करता रहा राइट मैं ग्रेजुएशन में भी मैंने जॉब्स में अप्लाई किया। एंड आई रिमेंबर कि क्लास 4th का जॉब आया था एनिमल हस्बेंड्री में सर, तो मैंने अप्लाई किया, मैं सिलेक्ट हुआ था फिर, लेकिन फिर उसको मैंने ज्वाइन नहीं, एक्चुअली फिर टीचर का हुआ था उसने जब ज्वाइन किया तो वो छोड़ दिया। तो जब MSc में मैं आया तो सर
पहली प्रेफरेंस ये जॉब वाज माय फर्स्ट प्रेफरेंस इन यूनिवर्सिटी आल्सो। तो जब सेकंड सेम दिया सर तो बस यही फिर था कि जॉब ऑफ जॉब ढूंढना है। इवन कि आई वाज इंटरेस्टेड इन रिसर्च मगर डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस को मद्देनजर रखते हुए सर मैंने यही सोचा कि अब जॉब के लिए अप्लाई करूँ। तब आया सर इन मेरा थर्ड सेमेस्टर था सब इंस्पेक्टर के पोस्ट निकली थी सर फर्स्ट सेम के एंडिंग में ही। तो मैंने अप्लाई किया सर एंड राइट फ्रॉम द डे आई अप्लाइड उससे पहले ही मैंने प्रेपरेशन इस एंगल से स्टार्ट की। मैंने घर में ही अपनी हाइट मेजर की अपना चेस्ट मेजर किया सर फिर मैंने फॉर्म भरा। जब अप्लाई किया सर जिस दिन मेरा सर फिजिकल टेस्ट था उस दिन सब इंस्पेक्टर का एग्जाम कंडक्ट किया पुलिस जे की पुलिस डिपार्टमेंट ने खुद। और उसमें इससे ये चीज डिफरेंट थी कि उसमें 15 points इंटरव्यू के थे 85 रेटिंग के थे। तो जिस दिन मेरा फिजिकल टेस्ट था पहले उसमें पहले फिजिकल टेस्ट था फिर रिटन एग्जाम। नेक्स्ट डे मेरा था सेकंड सेम में स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का एग्जाम। तो सर पहले ये फिजिकल टेस्ट क्वालिफाई किया फिर नेक्स्ट डे एग्जाम देने गया। उसके बाद प्रेपरेशन में लगा सर और ये पैरेलल में पढ़ना पड़ता था जिनमें क्वांटम मैकेनिक्स एंड वेरियस फिजिकल सब्जेक्ट्स ऑफ फिजिक्स। और शाम को फिर लाइब्रेरी जाके 24/7 जो रीडिंग रूम है वहाँ उससे बहुत हेल्प मिली। शाम को जाती थी फिर 12-1-2 बजे भी वापस आती थी रूम पे रेंट रूम था वहाँ पे हमारा। तो सर शाम को पढ़ती थी तो पैरेलल में पढ़ ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और एकेडमिक्स ये दोनों चलाने पड़ते थे। फिर 2004 में मेरा ये इसका निकला लिस्ट और फिर था इंटरव्यू मेरा। लेकिन मैंने ये अच्छे से प्रिपेयर किया था ड्यूरिंग माय थर्ड सेमेस्टर और मेरे रिटन में अच्छे पॉइंट्स आए। तो इंटरव्यू के लिए मैंने ज़्यादा प्रेपरेशन नहीं की और मुझे पता था अगर कम इंटरव्यू में आएंगे तो भी क्वालिफाई करवाऊँगा। तो अल्लाह के करम से सर मेरी टॉप 50 मेरे एक आई एस आई की और उन्हीं दिनों में टीचर्स के पोस्ट निकले थे उसमें भी मेरा नाम आया था। एंड आई वॉज द ओनली ग्रेजुएट कैंडिडेट इन दैट लिस्ट। मेरा डिग्री का कोई पॉइंट ना था बी एड सर मेरा ना एम एड ना मास्टर। और उसमें भी आई वॉज द यंगेस्ट सब इंस्पेक्टर ओनली 22 years old एट दैट टाइम इन द लिस्ट। फिर डिसाइड करना पड़ा इसमें ज्वाइन करूँ कि या टीचर में या सब इंस्पेक्टर में। फाइनली आई डिसाइड टू ज्वाइन इन स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट। तब से मैं ऑलमोस्ट नेक्स्ट 1-2 महीनों में मेरे 3 साल हो जाएंगे इस डिपार्टमेंट में। सर यही रहा था कि पहले से ही जॉब के लिए पढ़ना है और तब से मैंने पहले से ही जॉब के लिए पढ़ना स्टार्ट। तो रूफ आपके अंदर वो चाह है आपके अंदर वो क्वेस्ट है कंटिन्यूसली अपने आप को इम्प्रूव करते हो तो क्या ये अब JKPSC में टॉप करके रुक जाएगा या आप अभी इसके बाद भी UPSC की तरफ जाएंगे? सर एक्चुअली वो अलामा इकबाल का शेर है ना सर मंजिल से बढ़कर आए मंजिल तलाश कर मिल जाए तो देरी तो समंदर तलाश कर। हाँ यही इंसान की जिंदगी में होता है। लेकिन कुछ मैं सर सच बात बताऊं कि कुछ जो साहिब नजर है मेरी इस एरिया में या मेरी टीचर से कुछ उनका कहना है जैसा कि आप सर जानते हैं हदीस में भी है कि अगर इंसान को सोने की एक वादी दी जाएगी तो वो दूसरी तलाश करेगा दूसरी दी जाएगी तो फिर वो तीसरी तलाश करेगा। सेम इस केस हियर और उनके हिसाब से अब जिंदगी में बहुत सारे फील्ड्स और भी है जहाँ काम करना चाहे अब यही स्टॉप होना चाहिए। लेकिन मेरे हिसाब से कुछ फील्ड्स है जहाँ मेरी नजर है अभी सर I will be 26 in coming month. तो मुझे अभी टाइम है और सिविल सर्विसेज के लिए उसका भी मैं सोच रहा हूँ और दूसरे साइड से फिजिक्स में PhD का भी प्लान है। तो इन दोनों में से कौन सा चूज करूँ I will decide in coming near future. Very nice. अच्छा रूफ मुझे बताइए कि आपने SSB का भी इंटरव्यू दिया आपने JKPSC का भी इंटरव्यू दिया आप पहले मुझे SSB का इंटरव्यू उसका एक्सपीरियंस बताइए और फिर JKPSC का कैसा इंटरव्यू रहा क्या सवाल पूछे गए
उसके बारे में थोड़ा बताइए। सर एक्चुअली मेरा पहला इंटरव्यू था एसएसबी में, तब मैं नेक्स्ट तब मेरा था यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था, एग्जाम दिया था वो डीएलडब्ल्यू का एग्जाम था, उन दिनों नॉन गेस्ट पोस्ट्स के लिए इंटरव्यू हुआ करता था बैक इन 2015। फिर मैंने वो क्वालिफाई नहीं किया, 12 पोस्ट थे डिस्ट्रिक्ट में, तो वहाँ ये लास्ट क्लास ये लोग सिंपल क्वेश्चन पूछे। फिर जो पुलिस का इंटरव्यू था एसआई का, वहाँ आईपीएस केपीएस ऑफिसर, उसका स्टैंडर्ड इससे बढ़कर था जो एसएसबी ने उस वक्त किया था डीएलडब्ल्यू पोस्ट के, तो उनका स्टैंडर्ड इससे बढ़कर था। इंटरव्यू था ऑलमोस्ट दे इंटरव्यू वुड बी फॉर ऑलमोस्ट 8-10 मिनट। लेकिन जो पीएससी का है, यहाँ आपकी पर्सनालिटी, आपकी थिंकिंग प्रोसेस, आप चीज़ों को किस नज़र से देखते हो, उस हिसाब से सवाल पूछते हैं सर यहाँ। और यहाँ का जो इंटरव्यू है, इट लास्ट फॉर लास्ट फॉर ऑलमोस्ट मोर देन हाफ एन आवर, तो उसने वो सब कुछ एनालाइज करते हैं, इसकी जो फैक्ट्स है फैक्ट्स ही नहीं, इसके अलावा इसकी सारी नॉलेज और इसकी नज़र, ये चीज़ों को किस नज़र से देखता है, सोशल इशू है। तो यहाँ इंसान को बहुत प्रिपेयर करके जाना पड़ता है, और यहाँ का इंटरव्यू का एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया, ये सच में पर्सनल टेस्ट होता है। तो क्या पूछा आपको? सर मेरे दोस्त भी यही रियल जो एक्सपीरियंस है इंटरव्यू की, वही उसके बारे में पूछते थे। सर मेरा था सेकंड हाफ में, 22nd of February, तो मेरा इंटरव्यू होना था 2 बजे जब मेरी टर्न आई, तो फिर वो लंच पे गए तो 1 घंटे के बाद आए, तो वो फैक्ट करके आए, सब जो बाहर देखे थे हम 4-5, उन्होंने कहा आपकी बहुत ग्रिलिंग होगी ना वहाँ अंदर, क्योंकि फ्रेश हो गया है। हाँ सच में हुआ भी वही, जो मुझसे पहले जो अंदर गया था उस टाइम जो था 25 मिनट तक उसका इंटरव्यू, मेरा हुआ ऑलमोस्ट सर 33 मिनट, 35-38। तो जब मैं अंदर गया सर, जो मेरा इंटरव्यू था इट रोटेटेड अराउंड एक्चुअली सर एजुकेशन, माय सब्जेक्ट फिजिक्स एज वेल एज वेरियस सोशल इशू। पहले उन्होंने मुझे पूछा एजुकेशन पॉलिसी के बारे में, एजुकेशन पॉलिसी प्रिपेयर की थी, उसके अलावा जो वेरियस इससे पहले एजुकेशन पॉलिसी जो आई थी, रामसा स्कीम, एसएससी स्कीम, रूसा, दीक्षा, निष्ठा, ये सारी स्कीम और वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन जो है रिगार्डिंग एजुकेशन, वो भी प्रिपेयर करके रखे थे। तो मेरी जो वो किक स्टार्ट जो हुई वो अच्छी हुई इंटरव्यू। उसके बाद वो आए मेरे सब्जेक्ट पर, फिजिक्स पर, में उन्होंने पूछा मुझे सर जीटीआर जनरल रिलेटिव की, उसके बाद जेडब्ल्यूएस की जो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, और उसके उसमें उन्होंने एक अच्छा सा क्वेश्चन पूछा हाउ वी आर एबल टू लुक बैक इन टाइम विद द हेल्प ऑफ दिस टेलीस्कोप, और ये अच्छा रहा। उसके बाद ये आपके मॉक इंटरव्यू में भी टाइम का एक क्वेश्चन हमने पूछा था आपसे। यस सर एक्चुअली आई विल कम टू दैट सर। और उसके बाद और जो स्टैटिक फिजिक्स जो हम जानते हैं पढ़ते हैं एक्चुअली बीएससी में सर, लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, रेडियो एक्टिविटी, कॉज ऑफ रेडियो एक्टिविटी, यूज ऑफ रेडियो एलिमेंट्स इन मेडिकल साइंस। और ये उसके बाद जब मैं पहली लिखा था और जब मैंने इन सर्विस अप्लाई किया था, तो एज टीचर तो उन्होंने पूछा कि आज क्या कर रहे हो, स्कूल में क्या पढ़ा रहे। मैंने कहा उन्हें कि मैं फिजिक्स साइंस और मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ, तो साइंस में उन्होंने फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और मैथमेटिक्स के क्वेश्चन पूछे, 9th 10th साइंस मैथमेटिक्स वो सब आए सर। उसके बाद जो सोशल इशूज होते हैं वो सोशल इशूज इन रूरल एरिया, सोशल इशूज इन अर्बन एरिया, उसके जेंडर बाइटिंग डिफरेंट इशूज पर क्वेश्चन पूछे सोशल इशूज, वो भी आए और करंट देन जो था माय इंटरव्यू रिवॉल्व अराउंड दिस एजुकेशन एज आई वाज वर्किंग इन एजुकेशन एज वेल एज माय सब्जेक्ट दैट। तो उन लोगों का काफी अच्छा एक्सपीरियंस गया था इंटरव्यू का। बहुत अच्छा एक्चुअली, आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि मेरा ऐसा इंटरव्यू होगा। जब मैं बाहर निकला था तो मेरा भाई वहां वेट कर रहा था, उसको लेके गया था एक्चुअली सर, पहली बार जो मैं गया था, जब वो बाहर बार मेरा वेट कर रहा था, तो मैंने उसे कहा कि इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ, आई एम सेटिस्फाइड,
अगर पॉइंट को जो रिटर्न में आया तो मुझे लग रहा था क्योंकि बाकी बच्चों ने जिस हिसाब से कहा था हमारी पॉइंट से, मैंने उसे कहा कि फिर तो नहीं हो जाएगा, लेकिन अगर इंटरव्यू के हिसाब से देखते हैं मेरा डन है, वो इंटरव्यू बहुत अच्छा आई वाज एक्सपेक्टिंग 18.5 टू 18.6, मेरे आई 19.67, वो बहुत अच्छा था सर। द शॉकिंग पॉइंट अबाउट माई इंटरव्यू वॉज आपने देखे मुझे इंटरव्यू में सर 79 में सर। This was exactly matching with the points you gave to me, and I was shocked. Exactly, sir, I was shocked to see this. और जब आपने सर मुझे इतने points दिए थे और जो मेरे बाकी friends थे वहाँ mock interview में 30 January को जो आपने conduct किया, तो उसमें सब जो लड़के थे वो उनको दिए थे, तो आपने जो मेरे friends थे उनको आए थे 60, 59, 71, तो मुझे लगा कि आपने सर मुझे ज्यादा पॉइंट दिए, आई वॉज नॉट डिजर्विंग 79। एंड जो मुझे वहाँ क्वेश्चन सर बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन वो मुझे नहीं आए, और मुझे लग रहा था आई वॉज एक्सपेक्टिंग मैक्सिमम 60, आपने मुझे 79 दिए, लेकिन फिर मुझे रियलाइज हुआ कि जो विजन होता है एक इंसान का, जो साहिब नजर होता है और बसीरत जो चीज होती है वो सच में होता है, किसी इंसान को बसीरत होती है सच में, और जो हम देखते हैं जिस नज़र से इंसान को, इंसान के बात करने के तरीके को एनालाइज करते हैं, देखते हैं, इस नज़र से आप या जो पहुंचे हुए लोग होते हैं वो उस नज़र से नहीं देखते हैं, और आई रियलाइज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। वेरी नाइस सर, इसके सॉरी टू इंटरप्ट, आपको जो इंटरव्यू में वो फैक्चुअल क्वेश्चंस हमने पूछे थे प्रिसाइसली फैक्चुअल मैं इसलिए नहीं पूछा, पूछा जाता कि बंदे को फैक्ट्स पता है या नहीं, ये इसलिए होता है कि आप उसको कैसे हैंडल करोगे, उस स्ट्रेस को कैसे आप हैंडल करोगे, तो इसलिए बैक टू बैक फैक्चुअल क्वेश्चंस पूछते हैं ताकि वो स्ट्रेस हैंडलिंग का पता चले। सर एग्जैक्टली दैट हेल्पफुल मी टू मच, और मुझे इस एक्चुअली आपने सर स्ट्रेस मैनेजमेंट में मुझे दिए थे आउट ऑफ 5 पैरामीटर्स रखे थे आपने, वो स्लिप भी मेरे पास ही है, तो नॉलेज में दिए थे 10 out of 20, जो बाकी थे बहुत पैरामीटर स्ट्रेस मैनेजमेंट पर्सनालिटी उसमें दिए थे 18 out of 20 पर्सनालिटी में भी स्ट्रेस मैनेजमेंट, एंड एक्चुअली दैट हेल्पफुल मी टू मच। और सर मॉक इंटरव्यू से पहले की बात है कि मैं आपके पास आया था, लकीली आई केम टू नो अबाउट दिस मॉक इंटरव्यू, आप प्री मॉक इंटरव्यू कंडक्ट कर रहे हैं, तो मैंने रजिस्ट्रेशन करवाई, फिर मैं इंटरव्यू से पहले सर आपसे मिलने आया, तो आपकी जो गाइडेंस थी सर उसी वक्त से शुरू हुई, पहले सर मैंने आपसे जब पूछा कि मेरी कम्युनिकेशन ठीक नहीं है, एज मैंने डिफरेंट गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा है तो ये एक्सपोजर बहुत कम होता है पर्टिकुलरली फ्रॉम दिस रूरल एरिया से जो आते, तो फिर सर आपने उस वक्त मुझे बहुत एनकरेज किया है, दिस हेल्पड मी इन द फाइनल इन द रियल इंटरव्यू, कम्युनिकेशन यू शुड कन्वे योर, जो आपकी जो मैसेज है आंसर है वो उनको समझ आना चाहिए, आपकी फ्लुएंसी ये जो कम्युनिकेशन अगर वीक भी हो दैट डज नॉट अफेक्ट योर इंटरव्यू, और उससे मुझे बहुत कॉन्फिडेंस मिली और फाइनल इंटरव्यू में सच में उसमें उससे मुझे बहुत हेल्प मिला। उसके बाद सर आपने जब और इवन कि सर आपने ये भी माई शू का कलर क्या होना चाहिए, टाई का कलर, शू लेसेस और विदाउट शू लेसेस शू पहन के जाऊँ कि नहीं, ये सब चीज़ें पहले ही बताई सर आपने, और आई एम वेरी थैंकफुल टू यू सर। एक्चुअली आवर इंटरव्यू वाज 1/4 पार्ट ऑफ आवर टोटल पॉइंट्स 25 out of 100, और उसके और मेरा जो और जो सर आपने पहले ही कहा था उस दिन के आप जॉब में हो ऑलरेडी, आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्म करना पड़ेगा इंटरव्यू, क्योंकि एज नेचुरल टेंडेंसी जो जॉब में होता है उसको वो उतने पॉइंट्स नहीं देते, वो प्रेफर करते जो जॉब में ना हो, तो एंड आई वर्कड वेरी हार्ड, एक्चुअली मुझे 20 दिन मिली थी मॉक इंटरव्यू के बाद मैंने शुरुआत की, मेरा 22nd को था, 21-22 दिन मुझे मिले थे इंटरव्यू प्रेपरेशन के लिए, बहुत खूब मेहनत की और ऊपर से
प्रिपेयर किया और जो एरियाज आपने एंट्री में टच किए वो अच्छे से प्रिपेयर किए, तो आई एम वेरी थैंकफुल टू यू सर। पर्टिकुलरली आपने जब पूछा कि पॉपुलर फिजिक्स आप पढ़ो और उससे सवाल आए कि जब जी टी आर जनरल रिलेटिविटी और जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप एक्सपर्ट और सर जो दूसरे तजमुल सर थे उन्होंने एजुकेशन के बारे में पूछा और उससे पहले मैंने इंटरव्यू और जो पर्टिकुलर जो एजुकेशन के बारे में जो डिफरेंट पॉलिसी वो प्रिपेयर नहीं हुई। उसके बाद मैंने अच्छे से इवन के न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर मैंने 5 पेज का एक अच्छा सा नोट बनाया था और उसी से मेरी इंटरव्यू की शुरुआत हुई वहाँ पी एस सी एंड और इस उससे मुझे बहुत हेल्प मिला और उसी हिसाब से मैंने आगे प्रेपरेशन की और 20 दिनों में खूब अच्छे से पढ़ा। दैट हेल्पड मी वेरी मच एंड आई विल गिव क्रेडिट ऑफ माई इंटरव्यू पर्टिकुलरली इंटरव्यू पार्ट जो सर जिसमें आपने मुझे गाइडेंस की और आई विल गिव क्रेडिट टू यू एंड योर इंस्टीट्यूशन। थैंक यू सो मच रूफ। बहुत सारे बच्चे आप ही की तरह बनना चाहते हैं, आप एक इंस्पिरेशन है सबके लिए, खासकर एसएसबी में इतने सारे बच्चे हैं जो जिनका एग्जाम पढ़ते नहीं हो रहा, पीएससी के इतने सारे बच्चे हैं, कितने सारे बच्चों ने ये एग्जाम पढ़ा था, पर अल्लाह ताला इसको देते हैं तो उसका उसको उससे कोई छीन नहीं सकता। अब पॉइंट यह है कि बच्चे चाहते हैं कि आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी उनको पता चले कि ये एग्जाम, क्योंकि आपने ऑलमोस्ट हर एक एग्जाम क्वालिफाई किया है अब तक, तो आपका क्या प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी रहा है, ये एग्जाम क्वालिफाई होता कैसे? सर एक्चुअली जब हम कोई एग्जाम देते हैं जब 2-3-4 साल पढ़ते रहते हैं और उसके जो हम बेस बनाते हैं फिर अच्छी तरह से पढ़ते हैं 1-2 साल फिर एक स्टेज कहूँगा 3-4 साल आप अगर रेगुलर कंटिन्यूसली पढ़ोगे एक स्टेज वो पहुँचता है आपकी लाइफ में, फिर अगर आप प्रिपरेशन के बगैर भी एग्जाम में बैठोगे फिर भी क्वालिफाई कर पाओगे। एंड इसमें मुझे इस एग्जाम के लिए मैंने इतनी सारी प्रिपरेशन नहीं की कि नहीं की थी। एक्चुअली सर 12 दिसंबर को एग्जाम था, 13 दिसंबर को लास्ट डे था हमारा स्कूल डे, इवन आई वाज प्रेजेंट एट स्कूल ऑन दैट वेरी डे, वो 11th ऑफ दिसंबर, नेक्स्ट डे ही मेरा एग्जाम था। लेकिन सर मैं कहूँगा कि मैं कोई सुपरमैन नहीं हूँ, एक्चुअली जो सब इंस्पेक्टर के लिए मैंने अच्छे से पढ़ा था पहले उसका मुझे हेल्प मिला, वो रीजनिंग मैथमेटिकल से और इंग्लिश जिस जो प्रेपरेशन पहले से ही इन सब्जेक्ट्स में दैट हेल्प्ड मी टू मच। और इस में जब मैंने फॉर्म भरा था तब सर आपकी वो गाइडेंस कैसे प्रिपेयर करेंगे और वो सिलेबस की एक एक लाइन समझाना दैट हेल्प्ड मी टू मच। वो वहाँ पहली लाइन थी करंट पिक्चर अबाउट जनरल नॉलेज और किस तरह आपने वो समझाया कि किस तरह इसमें क्वेश्चन आ सकते हैं और जो आपकी वो स्ट्रेटजी थी जो आपने यूट्यूब पे डाली थी दैट हेल्प्ड मी टू मच। उसके बाद मैंने एक्सपेक्ट डाउनलोड की वो पढ़ी और जो पहली जो मेरी बेस बनी थी सब इंस्पेक्टर की प्रेपरेशन के बाद दैट हेल्प्ड मी टू मच। जो जिस टॉपिक को कवर करने में अच्छी तरह से पढ़ने में 2 दिन लग जाते तो मुझे उसमें 4-5 घंटे लगे, 1 दिन से कम ही टाइम लगता तो मैं कंप्लीट कर पाता क्योंकि उसके जो बेसिक्स थे वो मुझे पहले से ही क्लियर। तो मेरा मानना ये है कि सर यू हैव इन्वेस्ट समटाइम्स यू हैव टू इन्वेस्ट इयर्स समटाइम्स 2-3 इयर्स बट एट द एंड यू विल रीच योर डेस्टिनेशन प्रोवाइडेड यू आर कॉन्फिडेंट एंड यू आर रेगुलर एंड यू कंटिन्यूअस स्टडी। तो एट द एंड हम सर कर पाते लेकिन यही दैट रूम वाज नॉट बिल्ट इन वन डे, एक दिन में नहीं होता है सर, तो इट टेक्स टाइम मंथ्स इट टेक्स समटाइम्स इयर्स एंड यू विल रीच फाइनली योर डेस्टिनेशन। तो रूफ आपने कोई जो किताबें कंसल्ट की क्या आपने हर एक सब्जेक्ट के लिए अलग अलग किताब ली या आपने कोई जनरल कंपाइलेशन बनाई इसके लिए? नहीं सर एक्चुअली मैंने कभी जनरल कंपाइलेशन नहीं पढ़ी सर। जब मैं एक्चुअली एसआई के लिए प्रिपेयर करता था तब मुझे ये पता नहीं था कौन सी बुक पढ़नी है क्या पढ़ना है, तो जब मैं 24/7 लाइब्रेरी में गया था मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को वहाँ देखा सिविल सर्विसेज के लिए पढ़ते थे वहाँ और SSBS एग्जाम के लिए, तब मैं एक दूसरे को देखता था वही से मेरी सारे एक्सपीरियंस मैंने वहीं से कलेक्ट की, ये पढ़ता क्या पढ़ता है ये पढ़ता है कुछ लोगों से मैंने पूछा
इसके लिए क्या रहेगा, मेरा ऐसे का ये सिलेबस है, इसके लिए कौन सी बुक रहेगी। फिर मैंने अलग अलग बुक्स लाई, लक्ष्मीकांत मैंने पढ़ी क्वालिटी के लिए, और मैथमेटिक्स और रीजनिंग मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहा है हमेशा से, पहले से। और बाकी जो जियोग्राफी जियोग्राफी है हिस्ट्री है, उसमें मैंने आपका अभी फाइनली लास्ट क्वेश्चन पूछूं आपसे, काफी टाइम मैं आपका ले रहा हूँ, तो आप मुझे बताइए आप क्या मैसेज देंगे स्टूडेंट्स को जो अभी इतना ज्यादा प्रिपेयर कर रहे हैं, परेशान है एग्जाम के लिए, केएस का एग्जाम भी हो रहा है, यहाँ से एसएसबी के एग्जाम फंसे हुए हैं, आप क्या मैसेज देना चाहते हैं आपकी तरफ से स्टूडेंट्स? मैंने एक रियलाइजेशन में भी कहा कि ये स्टूडेंट जो इसी चीज का इंतजार करते हैं, कोई जो टॉपर हो या कोई क्वालिफायर हो वो हमें क्या मैसेज देगा। सर मैसेज बहुत स्ट्रेट मैसेज देते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे सर यही मैसेज होती है कि जो बेसिक मैसेज है, यू वर्क हार्ड, मेहनत करनी पड़ती है कंटिन्यूसली, हैव कॉन्फिडेंस, और कॉन्फिडेंस के अलावा और प्रॉपर स्टडी और स्मार्ट स्टडी करनी पड़ती है। कुछ लोग देखो सर, मेरा एक फ्रेंड है वो पढ़ता है, जब वो किसी पोस्ट के लिए पढ़ता है वो जैसे उसको पीएचडी करना होता है उस सब्जेक्ट, इतनी डेप्थ में वो एक ही टॉपिक को लेता है चार पांच बुक से, और आखिर में वो एक भी बुक अच्छे से प्रिपेयर नहीं कर सकते। तो स्मार्ट स्टडी करनी है और गाइडेंस स्टूडेंट्स को लेनी चाहिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल रिसेंटली आपने सारी इसके लिए स्ट्रेटजी डाली थी वो मैंने सारी, और ऐसी स्ट्रेटजीज देखी, और जो लोकल फ्रेंड्स फ्रेंड्स है उन्होंने क्वालिफाई किया है उनके पास गए, उन्होंने कहे कि कैसे पढ़ते हैं, कौन सा जो आपका वीक है वो वीक पोर्शन है उसको आप स्ट्रांग बनाओ, जो स्ट्रांग ऑलरेडी है उसको और स्ट्रांग बनाओ, और यही है सर कि हार्ड वर्क उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं। और दूसरा मैं जो डिफरेंट है जो मेरे यहाँ स्टूडेंट्स के आते हैं के लिए मैथमेटिक्स, उनको भी ये मैं मैसेज देता हूँ कि आप खुद मेहनत कीजिए, उसके अलावा अगर इंस्टीट्यूट में बहुत सारे स्टूडेंट्स को आपका जो इंस्टीट्यूट है वो रिकमेंड किया है सर, मुझे लगा आपका जो इनिशिएटिव है कश्मीर में वो बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है आपने सर, पर्टिकुलरली उसके दो तीन पॉइंट्स मेरे पास है आपके इंस्टीट्यूट के। पहला ये कि सर जो ऑनलाइन मोड आपने शुरू किया ये इनिशिएटिव, और इससे बहुत सारे स्टूडेंट्स को फायदा मिला है, क्योंकि सर अगर देखा जाए यहाँ के स्टूडेंट्स को 10,000 अगर फीस भरनी पड़ेगी इस सेंटर में, तो रेंट रूम रेंट के लेने में और फिर वहाँ कुकिंग वुकिंग एक्स्ट्रा डेट कॉस्ट देम मोर देन 20-30,000, तो ऑनलाइन मोड में ये सब परेशानी नहीं है सर। ऑनलाइन जो आपने शुरू किया ये इनिशिएटिव बहुत अच्छा इनिशिएटिव, पर्टिकुलरली जो बिलोंगिंग टू रूरल एरिया है। सेकंड सर आप जो अफोर्डेबल कॉस्ट पे ये ऑफर करते हो ये डिफरेंट पोस्ट कोर्सेज ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन मोड में, ये भी एक अच्छा पॉइंट है, कीपिंग इन व्यू द कंडीशन ऑफ आवर पीपल पर्टिकुलरली आफ्टर द कोविड प्रेशर। एंड सर थर्ड पॉइंट इसके जो मैंने 2-4 स्टूडेंट ऑलरेडी में पढ़ रहे हैं आपके इंस्टीट्यूट में ऑनलाइन और ऑफलाइन, और लोगों ने एस आई की पूछी और मेरे एफ आई की, उन्होंने कहा सबसे बड़ी बात यह है कि सर जो कोर्स देने से पहले जो वो वादा करते हैं हमारे कोर्स में ये इंक्लूड होगा वो सच में इंक्लूड होता है, ये नहीं कि पैसे लिए और फिर जो चाहे पढ़ाए, और ये बड़ी बात है सर कि जिस चीज का वादा करते वहाँ के हमारे कोर्स में ये इंक्लूड होगा फिर वो सच में होता है, ये मुझे 2-3 बच्चों ने कहा सर ये बड़ा चीज है, ये बहुत बड़ी बात है कि ये इनिशिएटिव लिया आपने ऑनलाइन और फिर अफोर्डेबल कॉस्ट हर बच्चों को देना है देने बहुत अच्छा इनिशिएटिव है सर, और अप्रिशिएट एज वेल एज आई सैल्यूट यू सर। थैंक यू सो मच रूफ, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, मैं अभी दिल्ली में हूँ, मेरे यहाँ प्रैक्टिस चल रहे, तो इंशाल्लाह जब मैं वापस आऊंगा आई होप कि आपके साथ मुलाकात हो। यस सर मैं भी
चाहता हूँ, आई एम ईगरली वेटिंग फॉर यू सर, इंशाल्लाह वी विल मीट इन हाफ टाइम मोर आल्सो. Inshallah, inshallah. Thank you so much for your time. I congratulate again you and your family, and have a great success and great life ahead. Thank you, thanks sir. Thanks a lot. God bless you.